मुंबई में कदम कदम पर मौत का साया, 10 सेकंड में 4 मंजिला इमारत ध्वस्त। क्या मुंबई वालों की जान की कोई कीमत नहीं? बार बार गिरती मुंबई का, कुछ तो करो सरकार। माया नगरी या मौत की नगरी? मुंबई के डोगरी इलाके में 4 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। इमारत गिरने की तेज आवाज दूर दूर तक फैल गई। धूल का गुबार उठा, लोगों को कुछ समझ आता तब तक ये बिल्डिंग पूरी तरह से धराशायी हो चुकी थी। कई लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला और दर्जनों लोग इस मलबे में दब गए। जबकि 10 से ज्यादा इंसानों की जिंदगी स्वाहा हो गई। नहीं देखा, मैं नाश्ता कर रहा था ना सुबह में, तो एकदम बारिश आई। बारिश आने के बाद है ना, आदमी एकदम हवा आई। हवा आने के बाद है ना, एकदम हम लोग को ऐसा लगा कि पतरा गिरा। अब जब मालूम पड़ा ना पब्लिक आवाज़ है ना, तो बोले बिल्डिंग गिरी, बिल्डिंग गिरी। तो हम लोग सब भागे, हम लोग सब पूरा घर वर सब छोड़ के सब भागे बिल्डिंग देखने के लिए। आवाज़ बहुत एकदम बहुत भयंकर थी। एकदम ऐसा लग रहा था कि पूरा मतलब बोलते ना भूकंप आ गया, एकदम वैसी आवाज़ थी। मुंबई के डोगरी इलाके में ये इमारत नहीं ढही, बल्कि लोगों के अरमान जमींदोज हो गए। ये बिल्डिंग ही धराशायी नहीं हुई, मुंबई का सिस्टम मिट्टी में मिल गया। इस बच्चे को देख रहे हैं आप। जब इस बच्चे को मलबे से निकाला गया तो बचाव दल की खुशियों का ठिकाना नहीं था। हर कोई उसे छूकर देखना चाहता था, उसके दर्द को महसूस करना चाहता था। लेकिन इस बच्चे को क्या पता कि आखिर उसके घर पर कौन सा पहाड़ टूट गया है। इस मासूम को तो ये भी नहीं पता कि इसकी माँ कहाँ है, उसके पिता कैसे हैं। कुछ ही मिनटों में इस आशियाने में जिंदगी की तलाश करने फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ की टीम सहित कई रेस्क्यू टीमें पहुंची। मलबे में सिसकती जिंदगी की आखिरी सांस ही अब इन्हीं से है। स्थानीय लोग भी मदद के लिए सामने आए। कॉरिडोर बनाया गया जिससे घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। जब ये बिल्डिंग गिरी, मैं पीछे दरगाह है हाजी अब्दुलरहमान शाह बाबा की, मैं दरगाह में था तो एक आदमी भागते हुए आया कि बिल्डिंग गिरी, तो हम लोग सब भाग कर आए। सकरी गली में बनी इस इमारत के नीचे दुकानें थी, जबकि इसकी ऊपरी मंजिलों पर परिवार रह रहे थे। लगभग 6 परिवार इस इमारत में थे। इमारत का आधा हिस्सा जर्जर था, जिसके गिरने की आशंका पहले से ही जाहिर की गई थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं। अब हादसा हुआ तो मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि करीब 15 परिवार मलबे में फंसे हैं। इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे फंसे हुए लोगों को बचाया जाए। उसके बाद इस घटना की जांच कराई जाएगी। जांच के बाद सरकार मुआवजे का ऐलान करेगी। जो मुझे प्राथमिक जानकारी मिली है, उसमें डोंगरी में एक बिल्डिंग कोलैप्स होने के कारण उसके अंदर करीब 15 फैमिलीज के फंसे होने की संभावना वहाँ पर दिखाई पड़ रही है। ये करीब 100 साल पुरानी बिल्डिंग है और वहाँ के बिल्डिंग के रहवासियों ने वाड़ा के नियम के अनुसार उसके लिए रीडेवलपमेंट के लिए वहाँ पर एक विकासक को, डेवलपर को अपॉइंट भी किया था और उसका उसके लिए उसको उनको परमिशन भी मिली थी। लेकिन ये डेवलपर ने उसको समय पर डेवलप किया या नहीं किया, ये सारी चीज़ें अब जांच में सामने आएगी। अभी तो सारा फोकस जो है वो जो लोग वहाँ पर अभी मलबे के नीचे हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाए, इसके ऊपर सारा फोकस वहाँ पर रखा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये सारी चीज़ें सामने आ जाए तो उसके बाद इसका इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपरली किया जाए। वही हादसे को लेकर NCP सांसद माजिद मेमन ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। माजिद मेमन ने कहा है कि राज्य सरकार, BMC और अधिकारियों की जिम्मेदारी है। हर दिन घटनाएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी हालात सुधर नहीं रहे हैं। हर बार मुद्दा उठता है लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं। देखिए, ये फिर मुंबई की बरसात की देन है और हमारे वहाँ के प्रशासन के लापरवाही की देन है। हमने इससे पहले राज्यसभा में भी ये सवाल उठाया था कि क्या मुंबई कर की जानों की कोई कीमत नहीं। इस तरह से जो तमाशा हर साल मुंबई में बारिश के समय होता है और इमारतें गिरती हैं, झाड़ गिरते हैं, लोग मरते हैं, पॉटहोल में मौतें होती है, मगर मुख्यमंत्री के कान पर जो नहीं रही थी, इस प्रशासनिक
जिम्मेदारी अगर मानी जाए तो सब जगह भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार है, कॉरपोरेशन से लेकर राज्य सरकार तक है और केंद्र सरकार तक, तो कहीं पर कोऑर्डिनेशन नहीं है इसका भी सवाल नहीं पैदा होता। आप ही हैं सब जगह, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये जो इमारतें कमज़ोर हैं इनकी जाँच बरसात से पहले हर वर्ष होती है, होनी चाहिए, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट बनाकर जो ज़रूरी कदम है उठाए जाने चाहिए, लेकिन होता नहीं है। इसलिए कि वो अफसर जब जाते होंगे तो उनकी हथेली गर्म कर ली जाती है, वो चले जाते हैं। जो इमारत गिरी है वो जर्जर थी, लेकिन बीएमसी की खतरे वाली इमारत की लिस्ट में इस बिल्डिंग का नाम ही नहीं था। दक्षिणी मुंबई का ये वो इलाका है जहाँ ज्यादातर इमारतें जर्जर हालत में है, लेकिन इस सब के बावजूद न तो इन बिल्डिंग्स को खाली कराने के आदेश दिए गए और न ही कोई समुचित कार्रवाई की गई, और ये नतीजा हम सबके सामने है।